मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है, आइए आज के वचन मनन के लिए हम नीति वचन 25वां अध्याय उसका 4वां वचन पढ़ें। चांदी में से मैल दूर करने पर सुनार के लिए एक पात्र हो जाता है। जब एक सुनार अपने हाथ में चांदी लेता है, वो अपने हृदय में जो योजना है उसके तहत उस चांदी के टुकड़े पर काम करने लगता है। वो अपना समय और मेहनत व्यर्थ में नहीं खर्च करता है, बल्कि उसके आंखों में उसकी आंख उस चांदी के टुकड़े के हर बारीकी को ध्यान देती है और पहले ही तय कर लेती है इसको कैसे अलग अलग तरीके से तैयार करना है, ताकि उसके हृदय की योजना उस चांदी के विषय में पूरी हो। इस चांदी के टुकड़े को पानी में धोकर साफ नहीं किया जा सकता। अगर धोएंगे तो सिर्फ ऊपर का मैल ही निकलता है। पानी उस चांदी के अंदर की गंदगी को जो उसके अंदर है निकाल नहीं पाता है। इस चांदी के टुकड़े को शुद्ध होना है तो आग के बीच में से जाना है, सुनार के आग के बीच में से, तभी जाकर अंदर से मैल निकलेगा। और थोड़ा सा गर्मी से काम नहीं बनेगा, आग को सही तापमान तक गर्म करना है, तभी जाकर वो चांदी का टुकड़ा पिघलेगा। ये चांदी के टुकड़े को ऐसे ही आग में नहीं डालते हैं, लेकिन उसके लिए एक बर्तन तैयार किया जाता है जिसमें वो सही तापमान तक आ जाए। फिर सुनार उसमें वो चांदी का टुकड़ा डालता है ध्यान से, और एक बार जब वो चांदी पिघल जाता है, उसमें से गंदगी बाहर आ जाती है। और जब एक बार वो शुद्ध हो गया, फिर वो बर्तन से वो सोनार चांदी को निकालता है और उसमें काम करने लगता है। ये चांदी का टुकड़ा बहुत दर्दनाक स्थिति में से जाता है और उसे मालूम नहीं चलता उसके साथ ऐसे क्यों हो रहा है। लेकिन सोनार ने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसके हृदय में एक योजना है। हम अपने जीवन को देखें, हम अपने घरों में अलग अलग प्रकार के बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं। कई बर्तन बहुत कीमती होते हैं और कुछ इतने कीमती नहीं हैं। लेकिन हम अपने घरों में चांदी और सोने के बर्तन इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि बहुत महंगे हैं और हम उसको खरीद नहीं सकते। लेकिन हम जानते हैं ज़्यादातर राजाओं के महलों में या धनवानों के घरों में ये चांदी और सोने के बर्तन होते हैं, और जिसके घर में है वो उसके विषय में बहुत गर्व करता है। लेकिन उस स्थान में पहुंचने के लिए चांदी को बहुत, उस चांदी के बर्तन को बहुत दर्द में से जाना पड़ता है। प्यारे अजीजों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही कुछ होता है। दूसरा तिमोती 2 अध्याय उसका 20 और 21 जरा हम देखें। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काट और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। अगर एक व्यक्ति अपने आप को इन अशुद्धता से शुद्ध करे तब वो आदर का पात्र बनता है जो शुद्ध होता है और अपने स्वामी के काम के लिए तैयार हो जाता है। परमेश्वर अपने अनुग्रह के बहुतायत से उसने हम एक एक को एक बड़ी योजना से चुना है, और जब परमेश्वर का दैवीय प्रकाश हमारे जीवन में गिरा, हमें समझ में आया कि हम तो सिर्फ उस चांदी के टुकड़े के समान है जिसे आग में से जाना है। हम जितना प्रभु के नजदीक आते हैं उतना हम में अपनी गंदगी दिखती है, और इसे निकालना इतना आसान नहीं है। केवल एक सोनार का आग ही हमें शुद्ध कर सकता है। और जब हम अपने जीवन को मुड़कर देखते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारा प्रभु हमारे साथ कितना भला है। हमें आग में कई बार डाला,
ताकि हमारे स्वभाव में बदलाव आ जाए, हमारी गंदगियां निकल जाए। लेकिन फिर भी हम समझते कि हम सिद्धता से बहुत दूर हैं, और बहुत से सुनार के आग के अनुभव हमारे जीवन में चाहिए ताकि हम स्वामी के लिए उपयोगी बर्तन बन सके। ध्यान रखें, अगर हमने आदर का बर्तन बनना है तो हमारे जीवन से सारा मैल निकलना है ताकि हम चांदी की तरह चमकने लगे। इस समय गंदगी हमारे इस चांदी के खूबसूरती को ढांपे हुए है। हम चाहते हैं जल्दी से ये गंदगी निकल जाए, लेकिन इतनी जल्दी निकलता नहीं। हमारा पापमय स्वभाव हमारे व्यक्तित्व में इतना दबा हुआ है कि वो अवसर ढूंढता है कि पाप को वापस लाए। हमने पाप से छुटकारा पाया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हमने उद्धार पाया, धर्मी ठहरे गए। अब हमारे जीवन में शुद्धिकरण का काम हो रहा है, और ये शुद्धिकरण का काम हमारे अंदर की इच्छाओं को बाहर दिखलाता है। क्या हम सच में प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु के समान होना चाहते हैं? अगर हम प्रभु को प्यार करते हैं तो हम सोनार के आग में से खुशी से जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारी भलाई के लिए। लेकिन अगर हम सिर्फ अपनी आशीषों की चिंता करते हैं तो ये सोनार का आग का अनुभव हमारे लिए बोझ बनेगा, और हम इसराइलियों की तरह बुड़बुड़ाने लगेंगे। इसराइली जो चुना हुआ देश था वो कैसे बुड़बुड़ाया? तब परमेश्वर हमें अपनी इच्छाओं के लिए छोड़ देगा, क्योंकि परमेश्वर कभी भी जबरदस्ती हमारे साथ नहीं करेगा। सो आइए इन दिनों में हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण करें, प्रभु के प्रेम पर भरोसा करते हुए, और ये चीजें, ये बात हमें शुद्ध होने में मदद करेगा। हम कई बार अपने बुलाहट की उस गंभीरता को नहीं समझते हैं, लेकिन स्वर्ग उसकी कीमत समझता है, क्योंकि स्वर्ग ने बड़ी कीमत देकर हमें चुना है, हमें एक बड़े उद्देश्य से चुना है, और प्रभु की वो योजना हमारे जीवन में पूरी होने पाए ताकि हम अनंत काल के लिए तैयार हो सके। प्रभु उसके लिए हम एक एक को मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद। आप हम एक एक से बात कर रहे हैं पिता इन दिनों में। अपने आप को आपके हाथ में संपूर्ण रीति से समर्पित कर प्रभु आपकी महिमा के लिए जीने के लिए हम एक एक को मदद करें। प्रभु हमारे में जो भी कमियां हैं इन दिनों में, आप हमें जो भी हाल में डालें, हमें डालकर हमें बदल दें, ताकि हमारी गंदगियां निकल जाएं और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो सके। उसके लिए संपूर्ण रीति से समर्पण करते हैं प्रभु, सब महिमा आप ही को देते हैं। कई बार हम बुड़बुड़ाए हैं, आप हमें क्षमा करें। सब महिमा आप ही को देते प्रभु, यीशु मसीह के मधु नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।